बिठाया जा रहा है, नानी को भी आज हम खाने पे साथ लेकर आए, फिर से फैमिली डिनर, लेकिन आज नानी के साथ। वेलकम बैक काकू, दोबारा से आ गए। वालेकुम सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी छोटी पति सने जी, बाकी बातें बाद में। दादा सलीम आज स्पॉन्सर हमारे आसिम भाई और अम्मी सोड़ा और महानूर, आपस में दुख सुख कर ले पहले। ये लोग लगे कई सालों बाद मिले, ऐसे लग रहा है हालांकि रोज मिलते हैं। खैर काकू भी आया है, एयरपोर्ट से कहा हूँ मैं यही, बाकी बातें जरा बाद में करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, शायद के यानी आ गया यानी सिनेमा रहा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पापा बेटा ने, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसा मेरा शहजादा। चलो जी यहाँ से आ गई भाभी बच्चे सब लोग और ये हमारी फैमिली, खूबसूरत सी फैमिली, फैमिली डिनर आज दोबारा से। ओए होए होए होए, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शहजादे? अस्सलाम वालेकुम, मेरे से तो मिल लो बहन, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? चलो ठीक हूँ। ये हमारी सने नानी को बिठाया जा रहा है, लग रहा है सब कुछ पीर आ गया हो। बच्चा पार्टी शुरू हो गए, ये बीच में जो हनी है ये अपने दोनों भाइयों को बहुत बहुत प्यार से रखते हैं और इनकी ही घर में चलती है। और आज हम रात साथ नानी को भी लेकर आ गए, नानी महारानी बन के बैठी हुई है हमारी, और लग रहा है जैसे कभी अभी अनारकली है, अनारकली है ये, बस वक्त के साथ साथ ढल गई है लेकिन है अनारकली। अम्मी और भाभी हैं अनारकली, नानो अनारकली। अच्छा अच्छा, नानी को दरअसल सिग्नल कम मिल रहा है क्योंकि उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन नानी की डिवाइस घर, नानी की डिवाइस अब घर छोड़ा है, मजाक के अलावा ये थोड़ा उनको इशू है, नजर नहीं आता लेकिन ये सुनती पूरा है। तो ये मजे मजे की बातें करेंगे इनसे थोड़ी देर में। और ये महानूर फातिमा जो अभी फ्लाइट पकड़ के आई है और अभी भी बहुत अच्छा बना, फ्लाइट मूड में ही लग रही है, लग रहा है। कैसी हो तुम, कैसा रहा तुम्हारा सफर, शूट कैसा रहा है? सफर में हूँ, तुम दो दूसरे सफर से तो निकल गई हो पर अभी सफर में हो। कह रही मैं सफर में हूँ। खैर अभी हम कौन सी जगह आए, ये कौन सी जगह है? खैबर समथिंग, होटल नहीं, होटल का नाम क्या है? खैबर शनवारी। चलो जी हम खैबर शनवारी में, और ये आपकी जो बहुत प्यारी सी मैचिंग करके आई है, मैं आपको इसका ये पर्स दिखाती हूँ, इसके अंदर एक अदद ग्लॉस भी है, ये अपने हाँ तो ये प्यार श्यार होके आई है, प्यारी लग रही है। अम्मी ये बैठी हुई है, मेरे को भी दिखा देती हूँ। अच्छा मैं गई, मैं रही है, मैं बना लेती हूँ वैसे वीडियो को, मसला नहीं, अब तो आदत हो गई मुझे खुद से वीडियो बनाने की। तो बस अभी खाना खाएंगे, खाना खा के आज कल नहीं थे ये लोग तो आज इनके साथ, और आज काकू है कल काकू नहीं थी, तो जब खाना आएगा फिर हम आपको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल खैबर शनवारी का दस्तरखान सजाया जा रहा है, मैं कहूँ भी आपको साथ साथ दिखा दूँ। ये देखें ये सब लोग माशाल्लाह, सब लोग। हाँ भाई जी, भैया वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें अब सलाम याद आया जब हम आधे घंटे बाद बैठ चुके हैं? किसको? ये लोग काकू को दो। काकू कौन है? मीनू। मीनू ओके, काकू मीनू। चलो जी हमारी बहन का फोन है यूके से, खान साहब का खाना आसिम भाई से डायरेक्ट मिला हुआ है, फिर भी हमें खाना लेट मिल रहा है। आसिम भाई ये शर्मिंदगी की वजह, खान साहब से डायरेक्ट खाना मिला हुआ है फिर भी खाना लेट मिला हुआ है, क्यों वजह? अच्छा दोस्त है, जब ये कहता है आराम से जाओ। स्पेशली अभी मंगाई है कढ़ाई, यहाँ की कढ़ाई होती है बहुत ही मज़े की, हमने पहले भी बहुत दफ़ा खाई है और बहुत मज़े की होती है, और साथ में ये इनके पराठे भी अच्छे हैं और इनके वो भी अच्छे हैं। और काकू ने मंगाया टिक्का क्योंकि उसको टिक्का खाना है, और ये आ गया है, और ये देखें ज़बरदस्त फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम जी भाई। और यहाँ पे हम जरा खाना शाना खा लें फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं, मैंने कहा पूरा साथ साथ दिखा दें। इस वक्त हम लोग फैमिली डिनर पे आए हैं, माशाल्लाह साथ नानी भी है, जब्बार भाई हमारे पीछे बैठे हैं, वो बैठे हैं कोने पे,
ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं पूरा का पूरा शनिवारी इन्हीं का ही हो, खैबर शनिवारी। खैर लोग काफ़ी भी हैं लेकिन ये पीछे पता नहीं मोबाइल पे लगे हुए, फैमिली पे लगे हुए, पता नहीं कितने लगे हुए, और वो बैठे हैं। और मैं तो यहाँ से गिरी, छोटू ने बाप को तंग करना शुरू कर दिया है, उसको ज़रा खाना खिलाते हैं, बाकी की बातें आपसे बाद में करते हैं। ओहो मिलाई बूटी भी आई है जी मम्मा, मिलाई बूटी भी आई भाई, प्लेट ला के दो चले जी। ओवरऑल फिर आपसे बाद में बात होती है। और यहाँ पे कहते ना लंगर खुल गया जी, लंगर खुल गया, बाकी बातें खाने के बाद, ब्रेक खाने के बाद बाकी बात। आप दोनों एक में लगे रही, मैं नहीं, मेरी वजह से वीडियो बनती है ना, वीडियो कभी ना बने क्योंकि किसी को शौक नहीं है वीडियो का। और वो बैठे हैं मुझे बार बार, उनको भी खाना चले गया, बाकी की बातें लोग खाना खाने के बाद है हमारे लालती लालती तो नहीं बोल सकती, कप्तान है हमारे क्रिकेट के। और इस वक्त मैं आपकी तरफ एक बच्चे के व्यू रिव्यू, कैसा लगा आपको पाकिस्तान पांचवी दफा हार गया आज? बहुत बुरा। क्या बुरा लगा, क्या मतलब बेइज्जती तो हमारी पहले भी होती रहती है, तो आपने ये क्यों पकड़ी हुई बोतल हाथ पे, आप क्यों इनकी तस्वीर लेके घूम रहे हैं? बाद पैरों में वादे पैरों में वाले क्यों लालती है मेरे भाई ने, भाई इस लाइन को तो मैंने वायरल कर देना है। अच्छा बताओ, वैसे बताओ, इतनी था उम्मीद थी कि पाकिस्तान इतना बुरी तरह हारेगा? नहीं, सारे मैचेस हारेगा नहीं, अफगानिस्तान से भी हार गया, वो तो ज्यादा बुरा लगा, ज्यादा बुरा लगा। वैसे उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप में अब फाइनल में रहेगा? बाहर हो गए। हो गए बाहर पक्का? अच्छा चलो, यहाँ पे देखें जी, एक थू मैं नहीं बोल रही, आवाम बोल रही है मेरे कोई तासुरात नहीं है, मेरे तासुरात बहुत अच्छे वाले हैं आपके लिए, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है नफरत लेकिन इस तक बच्चे का दिल टूटा देखा मुझे, इससे बेहतर तो मेरी दादी को खिला देते, नानी दो चार चौके लगा के नानी दो चार चौके लगा के आ जाती, नानी वैसे एक बात बताए आप लगा के आ जाती चौके? हाँ गेंद नानू क्रिकेट हमारी चल रही है बहुत बुरी, अगर आप वहाँ जाती तो दो चार चौके लगाती, पाकिस्तान को जिताती, आपका वैसे भी हाथ बहुत चलता है जुबान भी बहुत चलती है, निशान है जिसके पास कुछ बनता नहीं है, क्योंकि आज क्रिकेट ने जो पाकिस्तान ने की है और उनकी कुत्ते वाली हुई है, मैं क्या बताऊँ। हालांकि हम चाहते थे कि तुम जीतो, तुमने हमारे मुल्क के इतने ज़्यादा पैसा खाया, इतनी आयाशियाँ तुम लोगों को मिल रही हैं, इतना बाहर तुम लोग प्रोटोकॉल में होते हो, लेकिन इस तक इस बच्चे ने कहा है कि ये जो तस्वीर है ये पेप्सी केस में बनी हुई है, तो इसको पीने के बाद हमने पैरों में डालनी है। तो खैर बड़ा दिल टूट गया तुमसे, और ये अच्छी कप्तानी थी क्या थी पता नहीं, और जिस तरह तुमने अपनी ज़बान निकाली हुई है, तुम्हारा ये अंदर की ज़बान का टेटवा नज़र आ रहा है, काश तुम कोई कारनामा अंजाम देते तो हम तुम्हें अप्रिशिएट करते। खैर कोई बात नहीं, कहते ना तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, अपने मुल्क के लोग हैं, जीते या हारें हमें बर्दाश्त करना है, होता है। लेकिन ये कि बहुत बुरी वाली हुई है, कुत्ते वाली हुई है कि सारे के सारे मैचेस हार गए, या तो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का चला गया था जिसकी वजह से आप कोई भी नहीं जीत पाए मैच। खैर इस वक्त बहुत बुरी हालत है, हर कोई ये कहता है कि हमें बहुत मायूसी हुई है, हर जगह लोगों के हाथ में मोबाइल है, मैं काम पर जा रही होती हूँ, हमारा कैमरा मैन मोहित है, कसम से पूरे रास्ते में वो सिर्फ और सिर्फ मैच देख रहा होता है, उसका काम पे फोकस होता है, लेकिन एक जगह टूटी लगा के वो मैच सुन रहा होता है। लेकिन आज जो बताया ना, पता नहीं अब होना क्या, हो तो चुका है जो होना है, पर इस वक्त पाकिस्तान फाइनली मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, और इससे बेहतर तो नानी को खिला देते, नानी दो चार गोल करके तो आ जाती। आसिम भाई ने तो बहुत सारे गोल कर लिए, आई थिंक चार पांच गोल तो कर ही लिए, एक दो तीन चार 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 पांच गोल मिस भी हुई है इनकी गोल, इनकी रन स्कोर तो अच्छा है इनका रन रेट तो बहुत अच्छा है, इनका रन रेट तो बहुत अच्छा है, और आखिरी छक्का भी बहुत अच्छा लगा है, ये देखिए कितना खूबसूरत छक्का है, आखिरी छक्का जो है बहुत प्यारा है और ये कह रही है आखिरी छक्का प्यारा ही होता है, जैसे ये ओह माय गॉड। चलो फौरन आसिफ भाई ने भाग लेके की, क्योंकि इनको अपनी कारदगी में बड़ा भरोसा है प्रोग्राम। ओए बिल्ली खैर हो, ओ तेरी खैर हो, ओ तेरी खैर हो, अरे चले
हम सब की तरफ से, हमारी सारी फैमिली की तरफ से हमारा खूबसूरत छोटा सा टाइम जो हमने स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। दोबारा से बात होगी किसी और जगह। अल्लाह हाफिज़। से चाय हमारी तैयार हो चुकी है और इनकी चाय बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है, स्पेशली ये प्याला। तो बस चाय, यहाँ से चाय के बाद ये लवाजमात ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ का काम भी ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारी पूरी फैमिली जो बैठी हुई है यहाँ पर, और ये मेरा साया है। और यहाँ से हम आपको दोबारा से सब हाथ दिखाते हैं, पेंटिंग हुई भी है। और ये तमाम लोग बैठे, और ये देखें, ओह स्वीपर, बिल्लियाँ यहाँ पे घूम रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं इधर छुप गई हैं, चाय ज़रा सर्फ हो जाए। और यहाँ से हमारे फैमिली टाइम, डिनर टाइम ख़त्म हुआ। मैं भी जाऊँ, कल काम से आई थी, आने के बाद बस चेंज किया, इधर ही आ गई, मैंने कहा चले आज फिर डिनर पे जाना था। अच्छा, आज का जो डिनर है हमारे भाई आसिम भाई की तरफ से था, फैमिली के साथ थे। और कल ही हमारे साथ नहीं थे क्योंकि कल इनका काम आ गया था, तो इन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन कल भाभी थी, सरदान थे, तो बड़ा मज़ा आया। सरद भाभी मिस यू आपको दोबारा से, पर अभी एक डिनर हमारा और रहता है जो प्लान होगा। ये ऊपर नीचे के डिनर किसी वजह से हैं जो हम आपको भी नहीं बता सकते, लेकिन ये फैमिली डिनर जो है वो किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। अच्छा, पीछे कितना तो खूबसूरत लगता है वो जो है, खाने के बाद जो ये धुआं उठता है ना, ये खाना बनता है बारबेक्यू, बहुत स्पेशल लगता है। और सफाई करने लगे हुए तो अच्छा लग रहा है, बेचारे मेहनत कर रहे हैं। यहाँ सब इजी होके बैठ चुके हैं, और शायद इजी होके बैठ जाओ। क्या हुआ जबार भाई? पता नहीं, हम अपने ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं जबार भाई की तरह, हमने कहा पता नहीं जबार भाई वो कोने में बैठे थे, अब वहाँ से रुपो शो चुके हैं, बाहर गए, फ़ोन करने गए, सिगरेट पीने गए, पता नहीं, क्योंकि मर्दों को एकदम से सिगरेट की तलब होती है, वो भाग जाते हैं। और हमारे सामने तो खैर नो अलाउ, दर्ज बात है, वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। और दूसरा ये कि मुझे स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर वो ड्राइवर भी है तो हम अलाउ ही नहीं करते कि सामने पिए, ताकि जो जीजे के में होनी चाहिए। वैसे भी वो बहुत अच्छे हैं, चीज़ का बड़ा मैनर्स उनके अंदर है, ख्याल रखते हैं कि फैमिली में किस तरीके से बैठना चाहिए। खैर, ये मेरा साया जो मैं वीडियो बना रही हूँ, और यासिन भाई ये देखें सब बैठे हुए। और यहाँ से छोटू भी उल्टा पुल्टा होकर लेट गया है, काकू एज यूजुअल बिजी है, थकी हुई है क्योंकि ट्रैवल करके आई है, और पता नहीं होता किस वक्त कहाँ हो, किस वक्त कहाँ नहीं हो। चाय लाओ, दो चाय का दीदार कराओ, चाय का दीदार कराओ। ये देखें मज़े की चाय, ये चाय हम जब तक पीते हैं, मैंने वैसे खुदाफिज़ कह दिया था, लेकिन बीच में फिर चाय आ गई, तो मैंने कहा चाय का भी व्लॉग बना लूँ। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा आप मेरा, या आप लोगों का व्लॉग कम बनते हैं अच्छे वाले फैमिली वाले, क्योंकि टाइम ही नहीं होता और बिज़ी होते हैं सब, तो इसलिए। और बाकी जो मैं मुजिम कौन करती हूँ, मुझे लगता है कि वो इतने मार धाड़ होते हैं, आई थिंक किसी को इंटरेस्ट नहीं होता कि क्या है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, साथ में आज बात कहूँगी वो जो आजकल वीडियो बड़ी वायरल हुई है दो दिन से, अलीना शहर की, प्लीज़ काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना करें इस तरह की हरकतें। वो जो भी बदबخت बेगैरत कुत्ते का बच्चा था, वो उसको अल्लाह गारत करे, क्योंकि उसने जो भी किया उस लड़की ने, या मोहब्बत ने किया, या जो भी किया, उसका अपना पर्सनल था, लेकिन जिसने हरकत की अल्लाह ताला उस पर कीड़े अजाब डाले। शायद हो सकता है उससे प्यार करती हो, या कोई भी रीज़न ऐसा हो, कोई रिलेशन ऐसा हो। अब हर एक के लीचे ना तो आप सॉरी टू से लेट सकते हैं, नारे के साथ अब इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। कोई वो नंबर आवारा कोई प्रोस्टिट्यूट तो नहीं थी वो, लेकिन सब ने वीडियो बनाई, हर किसी ने मंचन भेजा, पिक्चर लगा के, पिक्चर बना के। तो कहानी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके घरों में ये चीज़ें ना करें, और अल्लाह ताला सबके जो पर्दे रखें। और ये आपसे रिक्वेस्ट है, खैर मैं चाय पीती हूँ, और मैं मुझे बस बुरा लगा क्योंकि उसको सारे लोगों ने, जितने यूट्यूबर हैं सब ने बैठ के बड़े बड़े से मंजन बेचा। मंजन ही कहूँगी किसी की माँ बहन बेटी के लिए, अगर आप देखें भी ना चुप हो जाएं, और दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला ऐबों पे पर्दा सबके रखें, और स्पेशली जो बाहर के लोग। से हनी को लेनी है ट्रेन, तो हमने इसको ट्रेन में बिठा दिया है, और साथ साथ चलो जी आ जाओ, साथ साथ मैं भी आऊँगी, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कराची के अंदर ही चल रही है, गोला गंदा टाइप की ट्रेन है, और साथ में हम काकू को भी लेंगे, और यहाँ का छोटा सा राउंड लगाएंगे आज हम।